अरे जिया, कहाँ जा रही है तू? घर का सारा काम कर लिया तूने? हाँ दीदी, सारा काम हो गया। वो क्या है ना कि बर्तन आज कम थे तो काम जल्दी निपट गया। और जो मैंने तुझे कहा था साहब की रोटी बनाने के लिए, वो? हाँ हाँ दीदी, वो भी बना दिया। अब आपके सवाल जवाब खत्म हो गए तो मैं जाऊँ? मुझे देरी हो रही है, दूसरे घर भी तो जाना है। अच्छा ठीक है, तू चली जा, लेकिन कल टाइम से आ जाना, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। ठीक है? ठीक है दीदी। दीदी आ जाऊं? हाँ एक मिनट सर। दीदी 7 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ। अरे जिया, जाने से पहले दूध गर्म कर दे, रोहन की तबीयत ठीक नहीं है। अरे दीदी इतना सा तो काम है, ये तो आप भी कर सकती हो। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बीच में नहीं उठ सकती। एक गिलास दूध गर्म कर देगी तो क्या चला जाएगा, कर देना प्लीज। देखो दीदी, आज का जितना काम था वो मैंने निपटा दिया, अब इससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकती हूँ। 7 बज गए, मुझे देरी हो रही है, अब आप देख लो, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। कहाँ रह गई थी तू, इतनी लेट कैसे हो गई? दीदी मुझे दूसरा घर मिल गया है। दूसरा घर मिल गया है? तो ये कि वो मुझे पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं और घर के पास भी है, तो अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी, यही बताने आई थी। क्या बोल रही है तू? अरे वही जो आप सुन रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है जिया, कम से कम 10-15 दिन पहले तो बताएगी ना, ताकि मैं दूसरी मेड का तो इंतजाम कर लूं। देखो दीदी, अब दूसरी मेड का इंतजाम करना ये मेरा सरदर्द नहीं है, वो आप खुद देख लो। मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी, मैं आपको यही बताने आई थी, वो मैंने बता दिया, अब मैं जा रही हूँ, देरी हो रही है। नमस्ते। अरे जिया सुन तो सही। जिया डॉक्टर मैडम, कैसा है मेरा चिंटू, वो ठीक तो है ना? देखिए हम अभी उसकी कंडीशन को लेके आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? एक्चुअली आपकी रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आई हैं, बट आपका बेटा कोविड पॉजिटिव है और हमने उसे अभी ICU में शिफ्ट किया है। क्या? एक्चुअली कोविड की वजह से उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, और इंजेक्शन और मेडिसिन के लिए हमें कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा चाहिए होगा। 1 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है? नहीं मैडम। देखिए अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए का इंतजाम करिए। हेलो रूपा। हेलो हेलो बहन, तेरे पास कुछ पैसे होंगे क्या? कितने पैसे? पैसे ये कुछ 1 लाख रुपए। हेलो 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 रूपा, हेलो मेम साहब, मेम साहब आपके पास 1 लाख रुपए होंगे क्या? क्यों क्यों मेम साहब, सब मेरे मेरे बेटे की तरह बहुत खराब खराब है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हेलो 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 मेम साहब, हेलो। अरे जिया कैसी है तू? अरे वो कोरोना के केसेस बहुत फैल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा तेरे हालचाल ले लूं। मैं ठीक हूँ दीदी। क्या हुआ, तेरी आवाज़ इतनी अजीब क्यों लग रही है? सब ठीक है ना?
दीदी मेरे बेटे को कोरोना हो गया। क्या? हाँ दीदी, डॉक्टर ने 1,00,000 रुपए का खर्चा बताया है। जया चिंता मत कर, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा दीदी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और जिससे भी मांग रही हूँ इतने पैसे देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अरे जया तू परेशान मत हो, एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, मेरे से पैसे ले जा। क्या सच दीदी? हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। दीदी नमस्ते। आ गई तू? ये ले 1,00,000 रुपए और अपने बेटे का इलाज करा ले। दीदी हो सके तो मुझे माफ कर देना, उस दिन आपने जब रोहन को दूध देने के लिए कहा था तो मैंने आपकी बात नहीं मानी थी और आपको यूं ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन आप तो मेरे बेटे को ना जानती हैं ना उससे कभी मिली हैं, फिर भी आपने इतनी बड़ी मदद की। तो कैसी बात कर रही है जया, मैं भी तो एक माँ हूँ ना, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी मैं वादा करती हूँ, मैं ना धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे ठीक है, अभी तू जा डॉक्टर को ये पैसे दे और अपने बेटे का इलाज करा, ठीक है? ठीक है। एक बात कहूँ दीदी? हाँ बोल ना। क्या मैं आपके यहाँ दोबारा काम पे लग सकती हूँ? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? तू आ सकती है, अभी तू जल्दी जा, ठीक है? ठीक है दीदी, शुक्रिया।